हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आई एम सना अहमद. लेट्स स्टार्ट विद फिज़िक्स चैप्टर 2, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स यूजिंग यूरेका कैन मेजरिंग सिलेंडर. मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन एंड सिंकिंग ऑफ अ सब्सटेंस. Comparison of densities in the three states of matter. Kids, before I start this chapter, let's go for the introduction of the chapter. Measurement is one of the best tools which a scientist has. Suppose if we are to report the result of a measurement to someone who wishes to reproduce these measurements, a standard must be defined. It would be meaningless if a visitor from outer space were to talk to us about a length of 8 trinks if we don't know the meaning of trink. On the other hand, if someone familiar with our system reports that a wall is 2 meter high and our unit is length is 1 meter, we then know that the height of the wall is twice our fundamental unit of length. Likewise, if we are told that a person has a mass of 75 kilogram and our unit is defined as 1 kilogram, then the person is 75 times heavier than our fundamental unit of mass. Moreover, very accurate and precise measurements are required for the advancement of science. We have been able to put up satellites and even men on moon due to the exact knowledge of length and time, which we have obtained by defining some standard units of measurement of mass, length and time. Kids, chapter start karne se pehle hame ye janna zaruri hai ki measurement kya hai. Measurement hamari life ka bahut hi important hissa hai. Jaise ki suppose kariye agar koi outer space se koi aata hai aapse 8 चिंग्स के बारे में बात करता है, लेकिन अगर आपको चिंग्स का मतलब ही नहीं पता तो आप ये कैसे समझ पाएंगे कि ये क्या है. इसी तरीके से हमने मेजरमेंट के यूनिट्स क्रिएट किए हैं. आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट की बदौलत है. आज हम सैटेलाइट्स को चांद पर भेज चुके हैं, हम खुद ह्यूमन बीइंग चांद पर पहुंच चुके हैं. वो किस वजह से? वो हमारी नॉलेज की वजह से, जो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की जो नॉलेज है उसकी वजह से हम ये सब हासिल कर पाए हैं. डेंसिटी. डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी टू इट्स वॉल्यूम. मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी. The density of a pure substance varies little from sample to sample and is often considered a characteristic property of the substance. किसी भी बॉडी का मास और उसका वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही उसका डेंसिटी कहलाता है. मैथमेटिकली हम डेंसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है. हर एक सब्सटेंस जो होता है वो वैरी करता है एक दूसरे सब्सटेंस से इन द कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी. सपोज अगर हम कंपेयर करें हनी और वाटर को, तो दोनों का जो डेंसिटी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है. और हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस को जब हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो हो जाती है. मोस्टली गैसेस को इसी तरीके से कंप्रेस करके स्मॉलर वॉल्यूम में रखा जाता है. जब गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो वो बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम में उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है. डेंसिटी को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं हैवी वर्ड से. सपोज दो सब्सटेंसेस लीजिए, वन इज आयरन एंड सेकेंड वन इज कॉर्क. कॉर्क इज मेड अप ऑफ वुड. अब देखेंगे अगर आप 1 kg का आयरन लेंगे और 1 kg का कॉर्क लेंगे और दोनों को अगर आप वाटर में ड्रॉप अप करेंगे तो क्या देखेंगे आप? आयरन जो होगा वो सिंक कर जाएगा, वहीं जो कॉर्क होगा जो वुड का है बना वो फ्लोट करेगा, क्योंकि दोनों का वेट तो सेम है, मतलब 1 kg ही है, लेकिन दोनों की डेंसिटीज़ वैरी करती है एक दूसरे से.
units of density. In SI, density is measured in kilogram per cubic meter. In CGS, density is measured in gram per cubic centimeters. Measurement of density. The following are the ways of determining the density of a solid, regular or irregular, and liquid. Determination of density of an irregular solid. The following procedure is adopted. First, volume of such solids cannot be obtained from measurements of their length, etc. The volume V of an irregularly shaped solid can be measured by measuring the volume of water displaced by using a Eureka can. So kids, किसी भी regular shape का density निकालने के लिए हमें formula, that is density equals mass upon volume को use करके उसका density find out कर सकते हैं. लेकिन क्या हो अगर हमारे पास इरेगुलर शेप हो. इरेगुलर शेप्स मीन्स लीफ, स्टोन, ऐसे जिनका कुछ पर्टिकुलर शेप नहीं है उन्हें हम इरेगुलर शेप कहते हैं. तो ऐसे में इनका जो डेंसिटी है हम मास अपॉन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो हमें उनका मास पता है ना ही वॉल्यूम. तो ऐसे में ऐसे इरेगुलर जो शेप्स होते हैं उनके फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ अलग प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं. लेट्स सी व्हाट दे आर. किसी भी इररेगुलर शेप सॉलिड जो होते हैं उनका डेंसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होता है. तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यूरिका कैन का यूज़ करना होता है. अब कैसे यूरिका कैन यूज़ किया जाता है? यूरिका कैन में एक बीकर होता है और एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, इसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर में स्केल्स बनी होती हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर 10, 20, 30 ऐसे मिलीलीटर में वहाँ पे मेजरमेंट दिया होता है. और बीकर सिंपल होता है. हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस बीकर में वाटर, उस जहाँ देख सकते हैं साइड ट्यूब दिख रहा है वहाँ तक हम वाटर फिल करते हैं. ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी इरेगुलर सॉलिड है उसको एक थ्रेड से टाई करते हैं और फिर उस सॉलिड को उस बीकर में डिप करेंगे. अब हो क्या क्या ये होगा कि जो सॉलिड है क्योंकि वो एक मैटर है तो ऐसे में क्या करेगा, वो अपने बराबर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उस वाटर में, उस बीकर में. तो जब वो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वहाँ पर तो उतना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होकर के उस मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. आप देख सकते हैं फिगर नंबर 2.1B, देखिए वाटर मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र हो गया. अब जितना लेवल उस मेजरिंग सिलेंडर में इंक्रीज होगा वही उस स्टोन का या इरेगुलर सॉलिड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा. अब एक बार हमने वॉल्यूम निकाल लिया, नेक्स्ट क्या स्टेप है, मास फाइंड आउट करना. अब मास फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, कोई भी बैलेंस, बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस का यूज़ करके हम उसका मास निकाल सकते हैं. अब हमारे पास वॉल्यूम भी है और मास भी है, दोनों का यूज़ करके फॉर्मूला पुट करके डेंसिटी निकाल सकते हैं. डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन, थस द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स लेंथ. The density of all liquids except mercury lies between the values 0.7 to 1.3 gram centimeter inverse cube or 700 to 1300 kilogram meter inverse cube. Mercury being a metal, the only metal which exists as a liquid at room temperature, has a very high density of 13.6 gram per centimeter cube. अब लिक्विड्स का तो कोई शेप होता नहीं है तो ऐसे में उसका जो वॉल्यूम है उसको हम लेंथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते. सभी लिक्विड्स का जो डेंसिटी होता है मर्क्यूरी को छोड़कर का जो डेंसिटी होता है सभी लिक्विड्स का वो 0.7 से लेकर के 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. सो किड्स, लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. A simple method of determination of the density of any liquid is as discussed below. Obtain a dry density bottle. Weigh the clean dry bottle to the nearest 0.001 gram. Obtain approximately 15 milliliter of the unknown liquid. Pour the liquid into the bottle until the bottle is completely full.
Insert the stopper so the ground glass end is in the bottle. Carefully dry the outside of the bottle with a tissue and obtain its mass. Obtain the mass of the liquid by taking the difference of masses in 0.6 and second. This gives the mass of the liquid in the density bottle. Now use the formula D equals M upon V to find the density of the liquid. So kids, कुछ methods follow करना होगा हमें ताकि हम किसी भी liquid का density find out कर सकें. Let's see what they are. सबसे पहले तो हमें एक dry density bottle लेनी है और फिर उस ड्राई बॉटल को प्रॉपर क्लीन करना है और उसका वे लेना है, वेट करना है हमें. और वेट हमें ध्यान रखना है कि 0.001 ग्राम, मतलब इसके आसपास होना चाहिए. अब हमें क्या करना है, अब जो अननोन लिक्विड हमारे पास है उसको 15 ml लेना है और उस लिक्विड को हम उसे डेंसिटी बॉटल में पोर कर देना है. लेकिन तब तक हमें पोर करना है उसमें जब तक वो डेंसिटी बॉटल जो है कम्प्लीटली फुल ना हो जाए. अब एक बार वो फुल हो गया है तो हमें उस डेंसिटी बॉटल के स्टॉपर है उसे फिक्स कर देना है. एक बार स्टॉपर लग गया तो अब क्या करना है, उसे बाहर से उस बॉटल को प्रॉपरली किसी टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना है और फिर उसका हमें मास ऑब्टेन करना है. मास निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें डिफरेंसेस जो पॉइंट नंबर 6 और सेकंड में दिया हुआ है उसका डिफरेंस, मतलब ये जो आपका डिफरेंस था जब आपने उसमें पोर किया लिक्विड उसका मास ले लीजिए और जब आपने उसे वे किया 0.001 ग्राम वे किया ना उसका सब्ट्रैक्ट करके उसका डिफरेंस निकाल लेना है. अब ये जब हमने किया तो हमारे पास उस लिक्विड का मास आ गया जो कि डेंसिटी बॉटल में है. अब हमारे पास मास आ गया, हमारे पास वॉल्यूम तो है ही है 15 ml. ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ डी इक्वल्स एम अपॉन वी और फिर हम वी विल बी एबल टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. Floating and sinking. Boats and ships are floating objects. Any piece of wood may float on water. A ball floats on water. Even a piece of iron or brass or even lead can be made to float if placed over mercury in a dish. Why do these objects float rather than sink in the liquid? This can be explained on the basis of Archimedes' principle. According to this principle, anybody partially or wholly immersed in a liquid experiences an upward force called upthrust, which is equal in magnitude to the weight of the liquid displaced by the body. Kids, हम सबको पता है कि boats और जो ships होते हैं वो float कर सकते हैं, वो ऐसे objects हैं जो float कर सकते हैं. हालांकि जो वुड होता है वो भी वाटर पे आराम से फ्लोट हो सकता है. एक बॉल है अगर हम फेंकिए वो खुद भी फ्लोट कर सकता है, लेकिन अगर हम आयरन ब्रास या लेड फेंकते हैं तो वो फ्लोट नहीं कर सकता. लेकिन अगर हम उसे मर्क्यूरी के ऊपर रखें, इन तीनों हैवी मेटल्स को, तो क्या होगा, वो मर्क्यूरी के ऊपर आराम से फ्लो करेगा. तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जब हमने आयरन को वाटर में प्लेस किया तो वो सिंक कर गया, लेकिन जब हमने उसी आयरन को एक मर्क्यूरी के ऊपर प्लेस किया तो वो फ्लोट कर रहा था. तो ऐसा क्यों, इसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से समझ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कोई भी सब्सटेंस जब किसी लिक्विड में आयदो पार्टली और होली इमर्स होती है तो वो एक अपवर्ड फोर्स फील एक्सपीरियंस करती है और इस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट की वजह से ही कोई भी बॉडी उसका जितना वेट होता है वो उतना ही वेट का लिक्विड डिस्प्लेस कर सकती है. सो किड्स, वी कैन से अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड पे तो इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट से, इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड पर फ्लोट कर रहा है. लेकिन अगर लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाता है उस सब्सटेंस से या उस ऑब्जेक्ट से तो क्या होता है, इस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट या वो सब्सटेंस उन लिक्विड में श्रिंक कर जाता है. फॉर एग्जांपल, वाटर में आप कॉर्क इंसर्ट करिए और आयरन इंसर्ट करिए, आप क्या देखेंगे, कॉर्क विल फ्लोट एंड आयरन विल सिंक.
क्यों? क्योंकि जो कॉक है उसका डेंसिटी उस लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट कर रहा है, लेकिन आयरन के कंडीशन में क्या हो रहा है, आयरन का डेंसिटी उस लिक्विड से मतलब वाटर से ज़्यादा है, इसलिए वो श्रिंक कर जा रहा है। सो किड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन शिप्स क्यों नहीं सिंक होती, वो क्यों वाटर पे फ्लो होती है। वो इसलिए क्योंकि आयरन ये जो फ्लोटिंग शिप्स होती हैं इनका जो बेस एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इस वजह से वो अपने ही उतने ही बराबर वाटर डिस्प्लेस करती हैं, और इस वजह से वो डूबती नहीं हैं। अब हम सबको पता है कि हर जगह का जो सी वाटर होता है उसका डेंसिटी अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर सॉल्ट का जो लेवल होता है वो हर जगह अलग होता है, इस वजह से हर एक सी का अपना ही अलग अलग डेंसिटी होता है। तो ऐसे में शिप्स जो होते हैं उनके उनको हर जगह के शिप में सी में जाना होता है, तो इसलिए शिप्स में एक वाइट लाइन बनाया जाता है जिन्हें कहा जाता है लोड लाइंस या फिर प्लिम्सन मार्क कहा जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज प्लिम्सन लाइन। द प्लिम्सन लाइन और ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल लोड लाइन इज अ रेफरेंस मार्क लोकेटेड ऑन अ शिप हल दैट इंडिकेट्स द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द वेसल मे बी सेफली इमर्ज्ड व्हेन लोडेड विद कार्गो। दिस डेप्थ वैरीज विद द शिप्स डायमेंशन, टाइप ऑफ कार्गो, टाइम ऑफ ईयर एंड द वाटर डेंसिटीज इनकाउंटर्ड इन पोर्ट एंड द सी। ये जो लाइन मार्क होता है ये इसलिए होता है ताकि ये उतना लेवल का जो है शिप उसे उतना लोड किया जाए ताकि वो उतना ही नीचे डेप्थ इनसाइड रहे, ताकि वो जो शिप है उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और प्रॉपर से वो सी पर फ्लो कर सके। यू कैन सी इन द गिवन डायग्राम दैट इज फिगर नंबर 2.4 द प्लिम्सन लाइन। सो किड्स, हियर इज अ रिकैप ऑफ द चैप्टर, रीड द रिकैप वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो रीड द चैप्टर थॉरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन थ्रू वीडियोज। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।